महान साइंटिस्ट नंबर वन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम कहा जाता है। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। इन्होंने ही सबसे पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन की कल्पना की थी और इन्होंने कहा था कि भारत सरकार उन्हें सपोर्ट करे तो वो 18 महीने में ही एटम बम बना देंगे और फिर भारत एक परमाणु संपन्न देश बन जाएगा। नंबर टू विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। इन्होंने इसरो का स्थापना किया था और साथ ही साथ 40 और स्पेस और रिसर्च से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था। नंबर थ्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इन्होंने DRDO के हेड के तौर पर 5 मिसाइल्स अग्नि, नाग, त्रिशूल, आकाश और पृथ्वी को डेवलप किया था और इन्हीं के समय में भारत ने पोखरण में सफल